Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Bliss. Thank you. शुरू करने से पहले मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा जरूर. इट्स अबाउट रिजेंटमेंट एंड फॉरगिवनेस. व्हेन यू होल्ड रिजेंटमेंट टुवर्ड्स अनदर, यू आर बाउंड टू दैट पर्सन और कंडीशन बाय एन इमोशनल लिंक दैट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील. फॉरगिवनेस इज द ओनली वे to dissolve that link and get free. बहुत सुंदर है. अब इसकी गहराई में चलते हैं कि अगर हम किसी के भी प्रति, जैसे हमने पिछली बार भी देखा उन्होंने किया हमने भी वही किया, तो मतलब हमने उनके प्रति वो एनर्जी को पकड़ कर रखा. एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लाइन विच सेज कि इफ यू होल्ड इट दैट लिंक इज स्ट्रोंगर देन स्टील. एंड ये जो लिंक है जो हमने पकड़ कर रखा, ये तकलीफ किसको देने वाला है? ये कॉन्स्टेंटली तकलीफ मुझे ही ज्यादा देने वाला है. एंड देन इट सेज फॉरगिवनेस मीन्स यू सेट योर सेल्फ फ्री. बट वो स्टील वाली बात, स्ट्रॉन्गर देन स्टील, पकड़ लिया तो ऐसा मतलब, पकड़ लिया मतलब फिर वो टूटेगा नहीं ना. आपका वो जो कनेक्शन है, रिजेंटमेंट की एनर्जी है, आपसे भी जा रही है तो वो उधर तक पहुंचेगी, दूसरा भी उसके प्रति क्रिएट करेगा. तो मैं रिजेंटमेंट नफरत लेके जीऊं, सामने वाला भी तो लेगा. तो जब दोनों लेंगे तो वो लिंक क्या हो जाएगा? इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. अब अगर दोनों ने कुछ पकड़ा हुआ है और वो ऐसे कनेक्ट बना हुआ है, लिंक बना हुआ है, अगर एक भी छोड़ देता है लिंक टूट जाता है. फिर बेसिकली कनेक्शन बन नहीं सकता जब एक छोड़ दे. लेकिन जब तक दोनों पकड़ के रखते हैं, हम क्या होता है रिश्तों में, हम सोचते हैं हमें दोनों को कुछ करना होगा, हम दोनों को इस बात को ठीक करना होगा. दैट्स व्हाई हम अपना ज़्यादा समय किस में बिताते हैं, कम बात को ठीक करें, सॉर्ट आउट करें, समझें. दोनों को नहीं करना है. एक ने अगर छोड़ा, यू सेट योर सेल्फ फ्री, यू डोंट हैव टू वेट. अगर दोनों के हाथ में वो लगी हुई है, आप बंधे हुए हैं, आप जीवन भर बंधे रहेंगे. अब अगर आपने एक ने खोला, दूसरे के हाथ में तो फिर भी वो बंदी हुई है, है ना. डोंट वी सी कि आपने एक ने छोड़ा, वो दूसरे के हाथ में पूरी वो लटकी हुई दिखाई देती है, पर एक के हाथ में बंदी हुई है. मतलब अगर दूसरा पकड़ के भी रखे आपके प्रति कोई बात, कोई नफरत, कोई कुछ, इट्स ओके. वो फिर उसने अपने को पकड़ के रखा है, लेकिन लिंक टूट जाएगा. एंड जैसे लिंक टूट जाएगा, यू सेट योर सेल्फ फ्री. This is a very, very, very deep thing. अब forgiveness के लिए हम आज बहुत बार ये कहते हैं कि forgive करना बहुत मुश्किल है, हम नहीं forgive कर सकते. अगर इसको हम दया कहें sister, अगर शब्द दया यूज करें कि भाई किसी पे दया करो, उसको माफ कर दो, तो एक्चुअली दया हम किस पे कर रहे हैं? अपने आप पे. वही तो मैं सोच रहा हूँ. जब आप अपने को फ्री कर रहे हैं, आप अपने को फ्री कर रहे हैं. हम लोग कितना बचपन से लाइन सुनते हैं, यार उस पे रहम करो, उसको माफ कर दो, उस पे दया करो, उसको छोड़ दो, मुझे माफ कर भगवान, मुझ पर दया कर. दया तो एक्चुअली हम अपने आप पे करते हैं जब दूसरे को. बिल्कुल. अगर मैंने कोई गलती की है या कुछ भी किया है, आपके साथ कुछ गलत किया या कोई भी बात हुई है और आपने उसको पकड़ के रखा है, मीन्स यू से आई कैन नॉट फॉरगिव. मैं इस बात को ना भूल सकता हूँ, ना मैं उनको क्षमा कर सकता हूँ. ये बात नहीं खत्म होगी मेरी तरफ से 10 जन्म तक. अब हमने अपना भाग्य लिखा है. फिर देन आई एम गोइंग टू लिव इन पेन. आई चूज नॉट टू सेट माई सेल्फ फ्री. अब अगर आपने मेरे प्रति ये पकड़ कर रखा है एंड यू डोंट सेट योर सेल्फ फ्री, इफ आई सेट माई सेल्फ फ्री, ठीक है मैंने किया, बट इट्स ओके, नाउ आई एम फाइन विद इट. मुझे रियलाइज हुआ मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी. मैं डिपेंडेंट नहीं हूं आपकी फॉरगिवनेस पे टू सेट माई सेल्फ फ्री. तो आपका पकड़ के रखना मुझ पर कोई असर नहीं डालेगा, मुझ पर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है. मैंने अपने गिल्ट को भी खत्म कर लिया है, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को
वापस ले आया है, मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, लेकिन आपका पकड़ के रखना आपका नुकसान कर रहा है, मेरा नहीं। एंड इवन द अदर वे अराउंड, कि अगर आपने छोड़ दिया है, आपने उस बात को चित से खत्म कर दिया है, एंड इवन इफ यू से टू मी आई फॉरगिव यू, डोंट वरी, फॉरगेट इट, आई हैव फॉरगिवन यू, यू कैन फॉरगिव मी, बट टिल आई फॉरगिव माई सेल्फ इट्स नॉट ओवर फॉर मी। आप मुझे रोज उठकर बोल दो आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, मैं वो बात को भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ, खत्म करो उस बात को, आपने कर दिया है, आपके करने से या बोलने से मेरा नहीं हो जाता। यू हैव टू सेट योर सेल्फ फ्री, आई हैव टू सेट माई सेल्फ फ्री, यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ, आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिविंग एनीबडी एल्स। सिस्टर, जो गलती हो जाती है अपने से या कोई झगड़ा हो जाता है और बार बार अगर हम माफी मांगते जाएं, अगला बोलता नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो उसका क्या मतलब क्या है फिर? उसको क्या, मेरी तरफ से तो मैंने कर दिया। क्षमा करना मींस क्या है? मैंने क्षमा किया, जैसे मैंने माफी आपसे मांग ली, राइट, दो बार मांग ली, सॉरी हो गई थी, बात खत्म करो, वो बोलता नहीं। पर आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, आप बात ही नहीं करेंगे। सी, दो चीजें हो रही है, एक बाहर एक अंदर, ठीक है। सपोज लेट से मैंने स्कूल में कोई गलती कर दी, ऑफिस में कोई गलती कर दी, कोई ऐसी चीज कर दी जिससे मेरे ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। लेट से मुझे जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है, या मुझे पनिश किया जा रहा है, मेरी सैलरी पर इफेक्ट हुआ, या जो सिंपल आपने कहा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, राइट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो हम यूज करते हैं सब एक दूसरे के साथ, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बाहर का कर्म है, ये बाहर है, इसके लिए मैं कंप्लीटली दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ कि आप प्लीज मुझे फॉरगिव करें। इस समय हम क्या कह रहे हैं? आप प्लीज मुझे फॉरगिव करें कि मेरी गलती को देखकर आपने ये जो चेंज बाहर लाया है अपने व्यवहार में, कि आपने मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया, मुझे पनिश किया, या मुझसे बात करने बंद की, आई एम नाउ रिक्वेस्टिंग यू कि आप प्लीज मुझे फॉरगिव करें, मतलब ये जो आपने किया है इसको प्लीज विदड्रॉ कर दीजिए, इसके लिए आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, एंड अनलेस यू डू इट ये चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज है अंदर, आपने बाहर कुछ चेंज नहीं किया है, या लेट से आपने बाहर फॉरगिव कर दिया, मतलब आपने बाहर ठीक कर दिया, आपने बात करनी मेरे से शुरू कर दी, लेकिन अंदर वो हर्ट, वो बात आपने अभी भी पकड़ के रखी है, विच मीन्स यू स्टिल होल्ड दैट पेन इनसाइड। बाहर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, एंड ये कितनी भी पुरानी बातों के लिए भी हो सकता है, हम कहेंगे नहीं सब ठीक है ना, छोड़ो, भूल गया, लेकिन वो भूला नहीं है। छोटी सी चीज पे वो दर्द मुझे फिर से याद आता है, क्योंकि आई हैव नॉट फॉरगिवन माई सेल्फ, एंड फॉरगिवन माई सेल्फ मीन्स आई एम स्टिल इन पेन, वो हर्ट मैंने अभी तक हील नहीं किया है। जब तक वो हर्ट मैंने हील नहीं किया, मतलब वो चोट अभी भी है, उनके साथ बात हम नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन वो दर्द अभी भी है। अब ये जो दर्द है, इसके लिए फॉरगिवनेस मुझे कोई और नहीं दे सकता, कोई नहीं कर सकता, ये चीज मुझे खुद के लिए करनी होगी। अब जैसे आपने कहा, सपोज सामने वाला हमसे बात नहीं करता, हमने कई बार लिखा आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई, आई रियलाइज, लेकिन सामने वाला फिर भी बात नहीं कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं इस केस में? कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे? हम ये कर सकते हैं कि हम उनके प्रति बुरा ना सोचें। जब हमें समझ में आ गया कि पिंग पोंग एनर्जी गेम है, तो वी हैव टू यूज दैट इक्वेशन। अभी आपने कुछ किया, मैं नाराज हूँ, अपना बैट बाजू रख दें। नो, साइड पे नहीं रखते, हम एक अलग क्वालिटी की एनर्जी की पिंग पोंग गेम खेलेंगे ना। न्यूट्रल नहीं हो सकते हम, हमारी थिंकिंग बंद नहीं होती है जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है। आपने कुछ किया, मैं नाराज हुई, मैंने बात करनी बंद कर दी, आपने कितनी बार आकर बोला
कि आई एम सॉरी, आई रियलाइज, लेकिन मैंने बात करनी नहीं शुरू की. आई कन्वे द मैसेज आई एम हर्ट, आई एम एंग्री, एंड आई इवन कन्वे द मैसेज दैट आई हैव नो प्लान्स ऑफ फॉरगिविंग और चेंजिंग दिस. दिस इज गोइंग टू रिमेन. मैं काफ़ी समय अभी नाराज रहने वाली हूँ, या मैं आपसे जीवन भर बात करने नहीं वाली हूँ. अब आप क्या कर सकते हैं? ये मेरे व्यवहार को देखकर एक हर्ट, दूसरा गिल्ट कि हमने इतनी बड़ी गलती करी, देखो ये रिश्ता खराब हो गया, तीसरा एक बहुत सटल रूप में मेरे प्रति नाराजगी. कैसे है, इतनी बार इनको सॉरी बोला, इतनी बार इनसे अपोलोजाइज किया, मैंने जेन्युइनली अपोलोजाइज किया, ये अभी भी अपनी ईगो, अपनी आकड़, ये बात नहीं कर सकते ठीक से, कैसे है ये? तो ये एनर्जी कौन सी क्रिएट हो गई? अब ये जो एनर्जी क्रिएट हो गई, मैं तो नाराज थी, नाराज हो, हर्ट हो, बात नहीं करने वाली हो, आपने सॉरी बोला, लेकिन एनर्जी कौन सी साथ में क्रिएट कर दी? बुरा भी फील हुआ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे प्रति एक सटल रूप में आप भी अब नाराज हो गए हैं. नाराज इसलिए क्योंकि फॉरगिवनेस मांगने पर भी जब मैं ठीक नहीं हुई, आप उस बात से नाराज है. अब क्या पिंग पोंग गेम शुरू हो गया? मैं नाराज, आप भी नाराज, मैं तो पहले से ही नाराज थी, तो अब आप नाराज, वो एनर्जी मेरे पास वापस मेरे से कंटिन्यूस. अब आई एम नॉट चेंजिंग, मैं नाराज रहने वाली हूँ. आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है विद अंडरस्टैंडिंग कि आपने जो गलती की वो आपने रियलाइज कर लिया. यू नो इट्स लाइक आपने एक स्टिक लिया, मुझे जोर से मार दिया यहाँ पर, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो भी, मुझे तो दर्द हुआ ना. अब आपने रियलाइज कर लिया और आपने कहा आई एम सॉरी जो वो मैंने मारा, दूसरा आई विल नॉट डू इट अगेन एंड मे बी यू विल नेवर डू इट अगेन. लेकिन वो जो चोट लगी है, वो चोट अभी बहुत दर्द कर रही है. हम कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते हैं कि दूसरे को कितना दर्द हुआ होगा. और कई बार क्या होता है, हम कहेंगे मेरी गलती इतनी थी, मतलब वो अभी तक पकड़ के रखेंगे उस बात को. लेकिन मैं तब तक पकड़ के रखूंगी जब तक मुझे दर्द हो रहा है. एंड इस समय अगर मैं नाराज हो, बात नहीं कर रही हो, हर्ट हो, मींस मेरा वुंड वो पेन कर रहा है. आपने तो प्रॉमिस कर दिया कि आप फिर से नहीं मारेंगे, बट व्हाट अबाउट दिस पेन जो मुझे हो रहा है? यू नो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमने कहा सॉरी यार, तेरे को मारा तो मारा, अभी सॉरी बोल दी ना, अभी क्या करूं? नहीं, आपने तो राइट किया, लेकिन वो जो जिसको सॉरी मैंने बोला उसको इतनी जोर से कटा कि उसको 6 साल तक दर्द हो रही है उसकी, जब भी वो दर्द को देख के कहां से माफ करेगा वो? हाँ, नहीं, माफ की बात नहीं है, सॉरी तो उसने बोल दिया, आपने सॉरी बोला, मुझे दर्द हो रहा है ना. हाँ, तो मेरा दर्द क्या करता है? मेरा दर्द मुझे फिर से आपके नजदीक जाने से रोकता है, इन द सेंस के जब तक मेरी ये चोट हील नहीं होती, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं आपसे फिर से इंटरेक्ट करने के लिए रेडी हूँ, जस्ट इन केस फिर से आप कुछ ऐसा करते हैं. मेरा तो अभी पहला वाला ही घाव ठीक नहीं हुआ. ये हमें ब्लॉक करता है, हमारा अपना दर्द हमें ब्लॉक करता है, हमारी अपनी नाराजगी कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी चोट दी है. सामने वाला एक्सपेक्ट करता है सॉरी बोला तो नेक्स्ट मॉर्निंग ठीक हो जाना चाहिए, वो ठीक नहीं होंगे. नाउ दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आई एम इन पेन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ईगो, इट्स नॉट एंगर, इट्स पेन, वो दर्द है. अब आप, क्योंकि मैं दर्द में हूँ, गलती तो आपकी थी लेकिन दर्द मुझे हुआ, मैं दर्द में हूँ, आपने सॉरी बोला, मैंने फिर भी माफ नहीं किया, अब आपका रोल क्या होगा? अब क्या करूँ मैं, सॉरी बोल दिया, माफी मांग लिया. आपका एक ही एम होना चाहिए, अब सॉरी बोल दिया, अकॉर्डिंग टू यू अभी पिंग पोंग का बॉल का चेंज करना है. आपने सॉरी बोल दिया, सॉरी फॉर व्हाट वाज डन, प्रॉमिस भी कर दिया, मतलब रियलाइज भी कर दिया, आई विल नॉट डू इट अगेन, जो किया उसके लिए अपॉलोजी, रियलाइजेशन कि आगे नहीं करेंगे. अभी सिर्फ एक ही पार्ट रह गया है जिसको हम छोड़ देते हैं, और वो ये कि ये जो मेरा दर्द हो रहा है, इसको आप हील करने के लिए क्या करेंगे?
इसको भी आपको हील करने में अगर आप मुझे मदद करते हैं, क्योंकि मुझसे तो वो हील नहीं हो रहा, एंड देन आई कैन लीव इट टू टाइम. यू नो, हम कहते हैं टाइम विल हील. जब मेरा मन करेगा अगर, तो मैं उनसे बात करूंगा, नहीं मन किया तो मैं बात भी नहीं करूंगा. क्यों? टाइम. हमने उसको टाइम पर छोड़ दिया. अब आपका जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, आप कुछ ऐसा करें जिससे मेरे ये जो चोट है ये जल्दी हील हो, क्योंकि ये जितनी जल्दी हील होगी उतनी जल्दी आई विल बी एबल टू कम बैक टू नॉर्मल. यू वॉन्ट मी टू कम बैक टू नॉर्मल. उसके लिए आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि अगर मैं क्षमा नहीं कर रहे हो, आप उस बात से नाराज नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, नाराज नहीं होना है, हर्ट नहीं होना, एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये इमिजिएटली वो कर देंगे. अब आपने अगर ऐसा किया तो आपने क्या किया, आपका फ्लो ऑफ लव जो ब्लॉक हो रहा था वो नेचुरल फ्लो होने लगा. तो आपकी तरफ से जो एनर्जी आने लगी वो चेंज हो गई. पहले यहाँ से नाराज जा रही थी, इसीलिए वहाँ से नाराज भी क्रिएट होने लग गई थी. अब आपने कॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग से, आई अंडरस्टैंड, मैंने उनको तकलीफ इतनी दी है, मेरी बात इतनी बड़ी थी, उनको बहुत बुरा लगा होगा, इंसल्ट हो गई उनके सामने, सबके सामने हर्ट हुआ होगा, मुझे लग रहा है वो बात छोटी है, लेकिन हो सकता है उनके लिए वो हर्ट बहुत बड़ा हो. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो उस बात को दो दिन में भूल जाएं, लेकिन उनको शायद उस बात को भूलने में दो महीने भी लग सकते हैं, एंड इट इज़ फाइन, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से उस दर्द को हील करेंगे. ये करके अपने आप को, आप अपनी एनर्जी को चेंज कर लेंगे. जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज हुई, मीन्स व्हाट हैव यू डन, द एनर्जी दैट आई सेंट यू, यू ट्रांसफॉर्मड इट. अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया. मैं नाराज भी नहीं किया, रिफ्लेक्ट भी नहीं किया, अब ट्रांसफॉर्म कर दिया. ये हम हर स्टेप पे कर सकते हैं. अब जैसे ही आपने ये ट्रांसफॉर्म किया, दिस स्टार्ट्स कमिंग टू मी, मेरे वुंड की हीलिंग होनी शुरू हो गई. आपकी थॉट्स मेरे यहाँ टच होकर मुझे एक अलग वे ऑफ थिंकिंग में लेकर जाती है. ये होना ही है, ये होना ही है, लेकिन ये बहुत सटल है. हमें बहुत डीप अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि कहीं भी हम उनके प्रति नाराज नहीं हैं जो हमें क्षमा नहीं कर रहे हैं. ये तो उनके लिए जो हमारे हमें क्षमा नहीं कर रहे हैं. बट जो क्षमा नहीं कर रहा है वो मुझे और गिल्ट में तो पहुंचा सकता है ना, कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी क्या जो तुम अभी तक बात नहीं कर रहे हो. आपकी गलती का प्रोपोर्शन मेरी हर्ट के प्रोपोर्शन से नहीं होता है. हमने क्या किया, हमने सबको एक दूसरे के मन, आप इतने ज्यादा नाराज हो छोटी सी बात पे, आपको आप तो मुझे मैंने सोचा कि आप एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, अभी तो आपको दो साल हो गए, अभी भी आपको पकड़ बैठे, यानी कि फिर मैं गिल्टी नहीं फील करूंगा. नहीं, क्योंकि कई बार आपकी छोटी सी भी बात, सी आप एक बात का बतंगड़ बोलते हैं. नहीं, वो बात नहीं होती है, नोबडी इज डूइंग इट पर्पसली. आप एक हथौड़ा लेकर भी मुझे मार सकते हैं, आप एक छोटी सी यहाँ की टहनी लेकर या लकड़ी से भी मार सकते हैं. इम्पोर्टेंट आपकी बात नहीं है सिर्फ, इम्पोर्टेंट ये भी है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है. आपके अंदर ताकत भी हो सकती है, आपका अहंकार भी हो सकता. अहंकार है, अहंकार मीन्स क्या, जितना ईगो मतलब मैं उतनी वीक ना. ओके, मैं उतनी वीक हूँ ना, मैं अपने ईगो से ऊपर नहीं उठ सकती, बिकॉज मैं आत्मा कमजोर हूँ. अब आपके हिसाब से आपने एक लाइन ही बोली थी सिर्फ, मैंने तो इतना सा ही कहा था सिर्फ. ठीक है, आई रियलाइज मैंने गलत कहा था, लेकिन इतना सा ही कहा था. एक के बदले में अगर मैं 25 बोला हुआ होता तो, 25 भी अगर बोला था, ये भी हो सकता है कि कोई उस 25 को 5 मिनट में भूल जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई एक बात को 25 साल ना भूले. तो यही पॉइंट आ गया आपका, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसफॉर्म. क्योंकि आपकी गलती वो आपकी गलती है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स वो मेरी कैपेसिटी है. अगर मैं आत्मा स्ट्रॉन्गर हो, पावरफुल हो, तो बड़ी गलती का भी जो दर्द होने वाला है, जो घाव है, वो कम है. आपने आज कुछ बोला, मुझे बुरा भी लगा, मतलब घाव भी हुआ, लेकिन 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, कल सुबह ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, आई एम फाइन. लेकिन अगर मैं आत्मा
कमजोर हूँ, अहंकार ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, मेरी शक्ति कम है, तो आपकी एक लाइन भी इतना दर्द क्रिएट करेगी जो मैं पता नहीं कितने साल उस बात को नहीं भूलूं। अब इसके लिए आप गिल्ट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरा दर्द आपकी गलती के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मेरा दर्द मेरी कैपेसिटी टू कोप विद द पेन उस पर डिपेंडेंट है। अब जितना आप गिल्ट में जाएंगे तो भी कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रही है? आपने सॉरी बोल दिया, आपने रियलाइज कर लिया, आप दोबारा नहीं करेंगे ये भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप ये वेट ना करें कि मैं कब ठीक हूँ, नहीं हो रही, मतलब आपकी गलती बड़ी थी। नो नो, नाउ ओनली वन फोकस, ठीक है उनको दर्द है, वट एवर आई कुड डू आई हैव डन, नाउ आई कैन डू ओनली वन थिंग, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ गुड विशेस कि परमात्मा ये आत्मा अब जल्दी ठीक हो जाए। आपकी जो उस दिन बात हो रही थी कॉपी वाली, कोई अच्छा बात करे तो मैं करूं, कोई हेलो प्रॉपरली बोले तो मैं प्रॉपरली बोलूं, कोई बोले हे तो हे, तो कोई मतलब आई एम कॉपिंग द वर्ल्ड, मेरी ओरिजिनलिटी कुछ नहीं। तो हुआ यूं कि मैं एक वीआईपी की सीट में बैठा था किसी फंक्शन में, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा वीआईपी, उसका नाम लिखा था, उसके बाजू एक और था, तो मैं अचानक जल्दी बैठ गया, तो मैं वेट कर रहा था ये अच्छा आदमी है, बहुत लेट आया वो, पहले आया तो मैंने उसको नमस्कार किया, तो उसने मुझे ऐसे करके नमस्ते भी बराबर नमस्ते नहीं लिया और मेरे साथ बैठ गया। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने कहा नहीं मैं कॉपीकैट नहीं बनूंगा, तो मैंने फिर उसको क्या किया, ब्लेसिंग्स भेजी, मैंने उसको व्हाइट लाइट में दिया, आई सेड बहुत सारी उसको एनर्जी भेजी, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम दोस डर्टी वंस, वो पिंग पोंग मेरे बदल दिया। बदलने के बाद कुछ ऐसी फंक्शन चल रहा था, तो दो चार मिनट गए, दस मिनट गए, तो मैं भी चुप था, ये भी चुप थे, लेकिन मैं हल्का हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं लाइट लाइट फील करने गया तो उसके साथ वाला जो बैठा था बोले सुरेश भाई आप इनसे मिले नहीं क्या कभी, आप आपके साथ बैठे हैं। मैंने बोला मैंने तो इनको आते ही नमस्ते किया, तो उनको गुस्सा आ गया, बोले नमस्ते किया तो क्या हुआ, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता ना, तो मैं कैसे जवाब देता। तो मैं तो उस वक्त लाइट हुआ हुआ था, मैंने उसको बड़े प्यार से बोला बट आई नो यू सर। तो बोला हाउ, मैंने बोला आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपने इतनी दुनिया की सेवा की, इतने स्कूल खोले गरीबों के लिए, ये किया ये किया, सारी लिस्ट मैं जानता हूँ, आई नो यू। वो भूल गया कि मैं कौन हूँ वो कौन हूँ, लेकिन आप भी करते हो ना भाई साहब, मैं आपके टीवी पे प्रोग्राम देखता हूँ शिवानी बहन के साथ। नहीं लेकिन वो ये भूल गया कि बोल के आई डोंट नो यू मैंने बोला हुआ था गुस्से में। तो एनर्जी, पावर ऑफ एनर्जी, सी दिस इज प्रैक्टिकल। बाद में उससे बोला नेक्स्ट डे मेरे पास लंच पे आना, हम यही हैं, फंक्शन कर रहे हैं। चेंज हो गया, एक सिर्फ एक अटेंशन, एक अवेयरनेस, नाउ यू गेट प्रैक्टिकल प्रूफ, शिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू हार्मनी। लेकिन उसने फिर दोबारा लंच पे बुलाया, वहां फिर मैं अड़ गया। अच्छा, मैंने कहा उसने हाँ जी तो बोले मैं नहीं जाऊंगा। मैंने माफ कर दिया एक बार कि अभी मैं उसके घर जाऊं खाना खाऊं, उसने बोला हु आर यू आई डोंट नो यू, ये फिर मेरा दिमाग मन ऐसे करने लगा। फिर मैंने कहा जाके देखते हैं, पहुंच ही गया बड़ी मुश्किल से, और इतना मुझे अच्छा लगा कि एक लगा कि मैंने अपने मन को जीत लिया, मन जीत हो गया, मन जीत लिया तो जगत को भी जीत लिया, जो खुद में परिवर्तन लाया वो दूसरों को भी परिवर्तन किया ना। अवेयरनेस, कैसे अवेयरनेस, आप कहते हैं ना प्रैक्टिकल कैसे करना है इसको, ये सारा दिन में प्रैक्टिकल हो रहा है। इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, बिलीफ सिस्टम पर अटैक किया कि पुराना बिलीफ सिस्टम, वो ऐसे करेंगे मैं ऐसे करूँगा, नहीं उस पर अटैक किया, थॉट्स को चेंज किया, अवेयर थे। ये अवेयर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि पुराने बिलीफ सिस्टम के रास्ते ही ना चले जाएं कि उसने ऐसा किया, नहीं अवेयर थे। एंड जो आपने बहुत सुंदर बातें कही कि वो अभी भी बात नहीं कर रहे थे ठीक से, आई फेल्ट लाइट, दिस हैज टू बी द एम ऑफ लाइफ। व्हेन वी आर सेइंग बीइंग ब्लिस मींस मैं फटाफट से क्या करूं, कोई बात आई भी है, कोई एनर्जी मुझे
सामने से आ भी रही है, अच्छा मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ भी रहा है, बुरा लग भी रहा है, अब अवेयरनेस मीन्स मैं क्या करूँ अभी जिससे मेरी एनर्जी चेंज हो जाए. दिस इज इट. एवरी टाइम गोइंग बैक टू बीइंग हैप्पी. एंड जैसे ही आपने वो किया, मैंने अच्छी एनर्जी जब देने लग गया तो खुद ही अच्छी एनर्जी में मैं बीग गया. क्योंकि देने के लिए क्रिएट करनी पड़ती है और क्रिएट करने से सबसे पहले खुद को मिलती है. अब जो आपने लास्ट टाइम कहा, पर जरूरी नहीं है कि वो प्यार से बात करते हैं, ये भी एक ऑप्शन पकड़ ले. जरूरी नहीं है कि वो प्यार से बात करे, लेट्स गिव 5% चांस कि वो प्यार से बात वापस नहीं करेंगे. लेकिन अगर नहीं भी करेंगे, उनके प्यार से बात करने से पहले आप लाइट हो गए थे ना. हाँ, उनके प्यार से बात करने के बाद नहीं लाइट हुए ना, पहले ही लाइट हो गए थे. एम ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी, टू बी लाइट. सही बात है. वो आपकी लाइटनेस और आपकी खुशी उनके प्यार से बात करने पर डिपेंडेंट नहीं थी, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट था. ब्यूटीफुल. ये उसका बाय प्रोडक्ट था ना. आप खुश हुए मतलब आपने अपने, पहले मैंने अच्छी एनर्जी भेजी. भेजी मतलब पहले क्रिएट की. क्रिएट की मतलब आपने अपनी थिंकिंग को चेंज किया. ठीक है, नहीं बात कर रहे, मूड होगा, रीजन होगा, वट एवर, थिंकिंग को चेंज किया. पहले थिंकिंग होती थी क्या समझ सकते हैं अपने आप को, मतलब नमस्ते का जवाब ना दे कोई. डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ही डिफरेंट डायरेक्शन में गए, अपनी क्लीनिंग की, एनर्जी चेंज हुई, लाइट फील किया. इसमें अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तो अभी भी ऐसे होकर बैठे हैं और वो अभी भी आपको दूसरी एनर्जी भेज रहे हैं. सी, he is still sending negative energy, but because you're constantly working on yourself, आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया. अब आप खुश हैं, मतलब आप लाइट हैं. इसका रिजल्ट ये होगा कि वो भी हो जाएंगे, but that's only a byproduct. We are not doing this to change them. हम उनकी खुशी के लिए नहीं कर रहे, उनको बदलने के लिए नहीं कर रहे. वो खुश हो जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा, इसलिए नहीं कर रहे हम. अभी अपने को खुश करने के लिए कर रहे हैं. हो सकता है हमारी एनर्जी को लेकर वो भी खुश हो जाए. दैट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, बट इवन इफ नॉट, आई एम हैप्पी. नाउ दिस इज ओनली फॉरगिवनेस. ये आपने फॉरगिव ही तो किया. किसी ने इग्नोर किया, इंसल्ट किया, आपने उस बात को अपने चित पर नहीं रखा. फॉरगिवनेस मीन्स हम उस बात को अपने चित पर न रख कर उनकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर हमने अपने को हल्का किया. लाइटनेस, अपने से मैं खुश हूँ. यस, आपसे तो ये बात तो बहुत कुछ करना था लेकिन समय हो गया है. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. व्हेन वी होल्ड रिजेंटमेंट अगेंस्ट समवन, इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशनल लिंक. We are bound to them. The one who lets it go will set themselves free. Forgiveness means forgiving ourselves by letting go of the resentment we have held on to. Even if the other person forgives us, we will remain in pain till we let go of the past negative experience. Forgiveness does not mean only behaving and talking as before. It means we have healed our hurt, have understood the other person's perspective, and do not hold them responsible for our pain. Do not be angry with people for not forgiving us. Understand they are still in pain and do not have the courage to interact again because they fear that they may get hurt again. Send vibrations of love and compassion which will help to heal them. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us at Shanti.
secret song.